स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच में एक और अच्छी खबर आई है। कोरोना के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन ट्रायल के दौरान 90% सुरक्षा देने में कामयाब रही। इसके लिए प्रयोग के दौरान पहले वैक्सीन की आधी डोज दी गई और इसके लगभग एक महीने बाद वैक्सीन की फुल डोज दी गई है, जो कि सफल रही। दिल्ली में कोरोना से लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लगभग हर घंटे कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत हो रही है। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात और इससे निपटने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है। अभी के हालात को देखते हुए कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि दिसंबर में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में फिर सामने आए हैं 37,410 कोरोना के नए मामले। एक दिन में कोरोना के चलते 481 मरीजों ने तोड़ा दम। देश भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 91,77,722। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 4,37,815। हरियाणा में फिर सामने आए हैं 2,663 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28 मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,19,963 हो चुका है और अब तक 1,97,335 मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुरुग्राम में शादी समारोह में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। शादी समारोह में मास्क न पहनने वालों पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, पुलिस आयुक्त का आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम अंबाला पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का अंबाला आगमन पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के साथ साथ कई दिग्गज भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा हिमाचल से सब परिवार दिल्ली जा रहे थे, जहां अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। नड्डा ने परिवार के साथ अंबाला के मशहूर गोलगप्पे और चाट का भी स्वाद चखा। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने आरटीपीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी शुरू की है। देश में आरटीपीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट भागीदारी के साथ शुरू की जा रही है। सैंपल का नतीजा 6 घंटे के भीतर मिल जाएगा। मोबाइल वैन से होने वाले इस टेस्ट की कीमत 499 रुपए रखी गई है। एक हफ्ते के भीतर पूरी दिल्ली में इस तरह की 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी काम करना शुरू कर देगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2000 जुर्माना लगाना गलत है, इससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस में जिस तरीके से नेता अपने आला नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे कांग्रेस में बिखराव होना तय है। कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने के लिए गृहमंत्री अनिल विज ने सख्ती करने के ऑर्डर दिए हैं। विज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों से ज्यादा संख्या में मास्क बांटने की अपील। विज ने छावनी के बाजारों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को मास्क वितरित किए, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया है। इस दौरान विज ने कहा कि आज के समय में सख्ती भी जरूरी है। पानीपत में पूर्व पार्षद की मौत के मामले में पानीपत की एसपी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एफआईआर के आधार पर निर्भीक होकर कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी ऑथोरिटी हो। लव जिहाद की कानून को लेकर ओबीसी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि ओबीसी हमेशा बेतु की बात करता है, अब प्यार के जाल फंसाकर अगर कोई धन परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कानून बनने में ओबीसी को क्या तकलीफ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि लोगों ने नियमों का पालन सही से नहीं किया है। मास्क लगाने से कोरोना होने के 50% चांसेस कम होते हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि इस वक्त जरूरत है कि नियम सही से पालन हो, साथ ही कहा कि 175 बच्चों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल बंद किए जाने का फैसला लिया गया।
कांग्रेस पर हमलावर होते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश को बरगलाने का काम करती है, कांग्रेस के पास कोई दूसरा काम नहीं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन, कोरोना के चलते संक्रमित थे और साथ ही तरुण गोगोई 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के तहत हिसार में अलग अलग मंडल स्तर के अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया गया। किसान आंदोलन से पहले नारनौद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने एहतियात बरतते हुए कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने देर रात किसान नेताओं को उनके घरों में हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस इन किसान नेताओं को कुछ दिन तक नजरअंदाज भी करेगी। गोहाना में भी पुलिस ने किसान नेताओं पर कार्रवाई करते हुए किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष सत्यवान नारवाल और साथ ही छिजडाना गांव के सरपंच भगत सिंह को भी हिरासत में लिया। करनाल के गांव कलवेड़ी में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। गांव के लोगों ने कलयुगी पिता को अपने बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। लोगों ने बताया कि घरेलू कलह के चलते पिता ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। परिजनों की माने तो आरोपी ने घर में आकर बताया कि उसने बच्चों को नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस 3 बच्चों को गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश भी कर रही है। अलाव के समय कुछ रेलगाड़ियों को चलाया गया, लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते रेलगाड़ियों को रेल प्रशासन द्वारा फिर से बंद करना पड़ा। अब एक बार फिर से पंजाब में रेलगाड़ियां शुरू हो गई। रेलगाड़ियों की एक बार फिर से शुरुआत होने से पंजाब जाने वाले लोगों में काफी खुशी है। रिटायर्ड कर्मचारी सुखविंदर पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल जाना था, लेकिन ट्रेन न होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब उनकी समस्या खत्म हो गई। लोगों की माने तो ट्रेन चलने से उन्हें सफर आसान लग रहा है। चंडीगढ़ जाने वाले सत्कार सिंह ने बताया कि जनशताब्दी ट्रेन पहले अंबाला तक ही आ रही थी, लेकिन अब ये ट्रेन ऊना जा रही है, इसलिए वो उसमें जा रहे हैं, क्योंकि बस से जाना काफी मुश्किल होता है। भिवानी में अशोका कॉलोनी निवासी इन दिनों सीवरेज के पानी से फैली गंदगी के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। पिछले 3 सालों से सीवरेज की परेशानी के चलते लोग परेशान। लोगों का यह भी आरोप है कि पिछले 3 सालों से अशोका कॉलोनी के निवासी पार्षद और अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। यहां पर गली भी बंद है, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेवात फीडर कैनल से जिले के गांव में पीने के पानी की समस्या जल्द दूर हो सकती है। संबंधित विभाग को मेवात फीडर कैनल का खाका तैयार कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश सरकार ने दे दिए। पंचकुला सेक्टर 15 में सलून के मालिक पर आधा दर्जन युवकों ने चाकू से हमला किया है। गंभीर रूप से घायल सलून मालिक को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार सलून कर्मचारियों की आपस में अपने स्टाफ के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जब सलून मालिक ने बीच बचाव का प्रयास किया, जिसके बाद स्टाफ ने बाहर से कुछ युवकों को बुला लिया और हमला कर दिया। पंजाब में खाद संकट के चलते हरियाणा में खाद लेने पहुंचे 4 लोगों को जेल में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध रूप से हरियाणा से पंजाब सप्लाई किए जा रहे 840 खाद के कट्टे भी बरामद किए। 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर खाद के कट्टे पंजाब सप्लाई हो रहे थे। पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेते हुए थाने में खड़ा किया है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब के पटियाला और लुधियाने के रहने वाले। कृषि विभाग के अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। जिंद और कैथल जिले से पंजाब से सटे हुए हैं और गेहूं बिजाई के लिए किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। हरियाणा में बाल विवाह के मामले नहीं रुक रहे हैं। जिंद में महिला संरक्षण और बाल विवाह निषेध अधिकारी ने 2 शादियों को रुकवाया है। दोनों ही बारात बेरंग लौटी। एक लड़की की उम्र 17.5 साल थी, दूसरी की 16 साल थी, लेकिन दोनों ही दुल्हों की उम्र 24 साल से ज्यादा थी। दोनों लड़के लड़कियों से उम्र में 8 साल से ज्यादा बड़े। पिछले कुछ दिनों में 8 शादियां विभाग रुकवा चुका है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि समाज से अब भी अनपढ़ता, कमजोर आर्थिक स्थिति बाल विवाह का कारण बन रही है। फरीदाबाद में बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने का मामला भी सामने आया है। एक बार फिर बेजुबान जानवर के साथ बर्बरता की गई। अज्ञात व्यक्ति ने सांड के ऊपर तेजाब फेंककर सांड को जला दिया। तेजाब से करीब 40% सांड का शरीर जल गया है। राहगीर उसे अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरीदाबाद के सरकारी बीके सिविल अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के लिए खून की जांच के लिए 2 नई मशीनें लगाई गई हैं और इस मशीन द्वारा सारे टेस्ट आसानी से किए जा सकेंगे। मशीनों की रिपोर्ट भी मिलेगी जल्द। मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में शुरू हो चुकी। रीति रिवाजों के साथ संगीता को बांध बैठाया गया है तो बजरंग के घर भी बड़ी धूमधाम से रस्म मनाई गई। पहलवानों की जोड़ी 25 नवंबर को 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएगी। इन दोनों की शादी का समारोह बेहद सादा होगा। कोरोना के चलते बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।
ड्रग केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि एनसीबी ने मुंबई में भारती के घर पर छापेमारी की थी। भारती और हर्ष के घर पर रेड मारी गई थी जिसमें उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों से पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार किया। 26 नवंबर को पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। सोनीपत में किसान संगठन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि वो कूच में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। महेंद्रगढ़ में पूर्व सैनिक राजेश कुमार ने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्री से अपनी जान और माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पूर्व सैनिक ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर हो रहे जुर्म के बारे में बताया है और वहीं उनके साथ लाठी डंडों से की गई मारपीट का वीडियो भी शेयर किया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल निशान उठाने वाले गुलाम नबी आजाद के खिलाफ हरियाणा के दो पूर्व कांग्रेस के मंत्रियों ने आवाज उठाई है। सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद को बर्खास्त करने की मांग। गोहाना में एक युवक को अवैध हथियार रखना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने गश्त के दौरान युवक की तलाश ली तो उसके पास एक देसी पिस्तौल मिला है। निकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, तीनों आरोपियों को बराबर का दोषी मानकर चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला। केस के एक आरोपी अजरू के वकील ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से नाम निकालने की मांग को अदालत ने किया खारिज, साथ ही आरोपी पक्ष की री इन्वेस्टिगेशन की मांग भी हुई है खारिज। अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद करने और मौके की निशानदेही करेगी अब एसआईटी। 2018 में अपहरण के मामले में भी अदालत में हुई है सुनवाई, मुख्य आरोपी तौसिफ की एक दिन की पुलिस रिमांड। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और उनके कारण हो रही लगातार मौतों की वजह से हिसार जिला प्रदेश के हॉटस्पॉट में शामिल हो गया है। 35 दिनों में 100 मौतें कोरोना के चलते होने के बाद सरकार ने हिसार को अब हॉट जोन में रखा है। सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम से भी अधिक मृत्युदर होने के चलते हिसार राज्य का नया हॉटस्पॉट बन गया है। आगामी 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जन आभार रैली को लेकर पृथला में जेजेपी के जिला अध्यक्षों ने कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला फरीदाबाद पहुंचेंगे, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल में सरकारी टीचर में शामिल होंगे। टीचर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया है। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ धरना दिया। टीचर्स ने जमकर नारेबाजी की। निजीकरण और टीचर्स को दिए गए ऐप के काम का विरोध किया गया है, कहा है कि जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं। करनाल में एक युवक को गाड़ी के नीचे दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। 18 नवंबर को इस्माइला गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के दोस्त ही हत्यारों निकले हैं। तीनों आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस का भी कहना है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर जनरल वर्ग के एडमिशन करने के विरोध में छात्रों का धरना आज के दिन भी जारी रहा। धरना दे रहे छात्रों ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार का भी पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति पर रजिस्ट्रार सहित अन्य के खिलाफ एसटी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि एससी वर्ग की खाली सीटों पर विश्वविद्यालय प्रशासन से मनमाने ढंग से जनरल में बदलकर दाखिले कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करते हुए बीसी वर्ग के सीटों को जनरल कोटे में बदल दिया है। नियमानुसार बीसी कोटे की सीटों में किसी भी कैटेगरी में बदला नहीं जा सकता। कोसली की तहसील में कोरोना के नियमों की धज्जियां लगातार उड़ रही है। तहसील कैंपस में आने वाले लोगों ने नहीं बल्कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने भी मास्क तक नहीं लगाया। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश कानून नाम की कोई चीज नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अफसोसजनक घटना है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार को घेरा। फतेहाबाद में घरेलू कला के चलते एक पिता द्वारा अपने दो बेटों के साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पिछले एक साल से पत्नी के साथ चल रहा था विवाद। चरखी दादरी के अनाज मंडी में बाजरे और कपास की फसल की खरीद को लेकर हो रही अनियमितताओं को लेकर किसान और आढ़तियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में मंडी गेट को ताला लगा दिया। इंद्रिय पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें दो दिन का रिमांड लिया गया ताकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद किया जा सके।
करनाल पुलिस ने बेरोजगारों को नौकरी लगवाने के झांसा देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। ये लोगों से 60 से 70 लाख का चूना भी लगा चुका था। झज्जर में राजकीय शिक्षक संघ तालमेल कमेटी के सभी संगठन ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों पर कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं सौंपा जाए। उन्होंने बताया कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का है और सरकार शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य थोपकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। गुरुग्राम में नामी निजी अस्पताल के डॉक्टर ने की है आत्महत्या। सेक्टर 49 स्थित फ्लैट नंबर 201 में जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जाए। 48 साल के डॉक्टर अनुश्वेर के नामी निजी अस्पताल में कर रहे थे प्रैक्टिस। मृतक के पिता ने मृतक की बीवी के खिलाफ दर्ज कराया आत्महत्या को उकसाने का मामला। गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक पिछले साल से ज्यादा हुई है। पीआर धान की सरकारी खरीद इस साल पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा गोहाना अनाज मंडी में खरीद की गई। गोहाना में अब की बार कपास की फसल भी ज्यादा हुई है। लगातार किसान कपास की फसल को लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, जिसकी खरीद एमएसपी के जरिए की जा रही है। केथल में जिले के शिक्षकों ने शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। शिक्षक कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों की ऑनलाइन ऐप खरीदने में पैसा खराब कर रही है और ना तो शिक्षकों को ठीक ढंग से इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और मार्केट में दुकानदारों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है। करनाल में 74,700 नशीली गोलियां सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ समय से नशे के कैप्सूल और गोलियां बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। 20 नवंबर को टीम द्वारा आरोपी गुरुविंद्र को नजदीक गैस एजेंसी गांव सोकड़ा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से नशे के 900 कैप्सूल टामाडोल बरामद किए गए। झज्जर में अपनी फसल की खरीद न होने पर किसानों ने डीसी जितेंद्र दहिया से मुलाकात की। उन्होंने डीसी से कहा है कि उनकी बाजरे की खरीद नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान। किसानों को यह भी कहना था कि कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पंजीकृत फसल में से कुछ की खरीद हुई है, लेकिन शेष बाजरे की फसल उन किसानों के घर पर रखी हुई है। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि जिनका पंजीकृत हुआ है उनका दाना भी बाजरे का अभी तक नहीं खरीदा गया है और ना ही उन्हें खरीद का टोकन मिल पाया है और ना ही उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की ओर से कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है। नूह में 24 घंटे में 28 नए केस सामने आए हैं। 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक जिले में कोरोना से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सोहना तहसील में वकीलों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां पर वकीलों ने सोहना बस स्टैंड को ही पूरी तरह से पार्किंग में बदल डाला है। बस स्टैंड पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों के चलते रोडवेज चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बस स्टैंड के अधिकारियों ने इस बात की शिकायत आला अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है।